अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 के रिमेनिंग टॉपिक्स। और जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, इसको दो तरीके से आता है पेपर में, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन मोड के नाम से। तो हमारे पास बेसिकली दो मेन ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, एक होता है असिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस। और हम स्टार्ट करते हैं असिंक्रोनस से। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, ये जो डेटा ट्रांसमिशन है इसमें एक बिट, एक बाइट एक वक्त में जाता है। और एक बाइट, जैसा कि हम जानते हैं, 8 बिट्स होता है। तो जो डेटा फ्लो होता है हमारा वो होता है 1 बाइट, जो कि बराबर होता है 8 बिट्स के। तो जो हमारा डेटा फ्लो होता है वो ये होता है, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, हमारा एक स्टार्ट बिट होता है और एक स्टॉप बिट होता है। जैसा कि हमारे पास क्या होगा असिंक्रोनस में, ये हमारे पास एक 8 बिट्स है, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स का शॉर्ट फॉर्म बिट्स होता है। तो जो हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा एक स्टार्ट बिट है, ठीक है, ये बताता है कि डेटा फ्लो स्टार्ट हो गया। और हमारे पास कोई भी 8 डिजिट्स हो, ठीक है, ये कितने हो गए, 6। हमारे पास 8 डिजिट हो गए, ठीक है। तो एक समझे ये डेटा फ्लो है, इसमें हमारे पास 8 बिट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास एक स्टार्ट बिट था और ये हमारे पास एंड बिट था। ये बताता है कि भाई जब हमारा डेटा फ्लो होता है तो जैसी एक 0 आएगा, हमारा जो कंप्यूटर है इसको समझ आ जाएगा कि डेटा की एंट्री स्टार्ट हो गई है। और जो हमारा एंड बिट है ये बताएगा कि यहाँ पे ये डेटा खत्म हो गया है, ठीक है जी। और ये क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक एनवलप पे बंधा हुआ होता है। जब जाता है तो एक एनवलप के फॉर्म में जाता है और ये बहुत स्लो होता है और ये यूज होता है माइक्रो कंप्यूटर में। अब आ जाते हैं हम सिंक्रोनस में। सिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें ब्लॉक्स या पैकेट्स की फॉर्म में डेटा जाता है, ठीक है जी। और सेवरल बाइट्स जाते हैं, बाइट्स होते हैं 8 बिट्स, सेवरल बाइट्स मतलब बहुत सारे बिट्स जाते हैं, ठीक है जी। इसमें एक, जैसे इसमें स्टार्ट बिट था, इसमें स्टॉप बिट था, हमारे पास इसमें एक होता है हेडर और एक ट्रेलर। हेडर और ट्रेलर होता है हमारे पास इस पे। हेडर बेसिकली स्टार्ट बिट है और ट्रेलर बेसिकली एक स्टॉप बिट है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है जी। नाम चेंज है। और हमारे पास ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है जी। और ये हमारे पास अलग किस्म की मशीन यूज करता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और ये बेसिकली लार्ज कंप्यूटर्स में यूज होता है और बहुत कम माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होता हुआ दिखेगा, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड्स का टॉपिक खत्म होता है। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोडेम। मोडेम बेसिकली क्या होता है, मोडेम बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो हमारे पास बनता है मोडेम। मॉड्यूलेशन क्या होती है, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होती है कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इंटू एनालॉग सिग्नल्स, ये होती है मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स जो कन्वर्ट करते हैं, ये होती है हमारे पास डीमॉड्यूलेशन। अच्छा जी, तो जो मोडेम है वो हमारा जो क्या काम करता है, ये एक हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर के जो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो सिग्नल्स होते हैं उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, डिजिटल है तो उसको एनालॉग कर देगा, एनालॉग है तो उसको डिजिटल कर देगा, ठीक है जी। और ये क्या करता है, जिसमें दो किस्म के होते हैं हमारे पास मोडेम, एक होता है इंटरनल मोडेम और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल मोडेम। एक इंटरनल मोडेम क्या हुआ, इंटरनल मोडेम वो होता है जो हमारे पास सर्किट बोर्ड्स में फिट होते हैं, ठीक है जी। एक्सटेंशन स्लॉट जो होती है हमारे कंप्यूटर की मदरबोर्ड में, उसमें, ठीक है जी। और जो हमारे पास इसमें लैपटॉप पे भी अलाउ होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। और ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज, आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजा तो जो डेटा जाएगा वो तो है बाइनरी डिजिट्स में, ठीक है जी, वो है डिजिटल सिग्नल।
वो अगर टेलीफोन लाइन के थ्रू जा रहा है आपका डेटा, तो वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सटर्नल क्या होते हैं, जो हमारे दूसरे होते हैं बाहर जो लगे होते हैं, ठीक है जी। एक्सटर्नल हमारे क्या हुए, जैसे आप मोडेम होता है नेट का वैसे, ठीक है जी। मतलब ये सेपरेट होते हैं सिस्टम से, मतलब कंप्यूटर में लगे भी नहीं होंगे, बाहर एक डिवाइस से इसके फॉर्म में रखे होंगे, काम सेम होता है। और टेलीफोन जैक जो होता है हमारे पास RJ45, उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे मोडेम का भी टॉपिक खत्म हो गया है। और एक बात आपको मैं बताऊं कि मेरे पास कुछ फीचर्स हैं, एक दफा पेपर में भी आया है सवाल कि राइट द फीचर्स ऑफ मोडेम, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ इसके क्या फीचर्स हैं। अच्छा जी, हमारे पास चार फीचर्स हैं, और वैसे तो ये बड़ा फजूल सा सवाल है लेकिन पेपर में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पहला फीचर है वो ये है कि ये सेल्फ टेस्ट कर लेता है कि जो हमारे पास एनालॉग आ रहा है या डिजिटल सिग्नल आ रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं वो ये सेल्फ टेस्ट कर लेता है कि भाई कौन सा सिग्नल आ रहा है, ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये बआसानी एरर ट्रांसमिशन कंट्रोल कर सकता है, ठीक है जी, दो पॉइंट ये होगा। और ये है कि ये तीसरा पॉइंट, ये वॉइस और डेटा एक साथ ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई वॉइस मैसेज भेजा है और उसके साथ साथ आपने डेटा भी ट्रांसफर करा है तो ये भेज सकता है। और फोर्थ पॉइंट है, जिसकी स्पीड होती है वो होती है 300 bps to 56 kbps, bps होता है बिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया मोडेम का।